हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे, जल्द ही हमारे साथ होंगी टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उससे पहले आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं आपकी किस्मत की, कैसा रहने वाला है आज का आपका दिन। तो फोन लाइंस भी आपके लिए खुली होंगी, जरूर कॉल करिए और अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए सीधा चलते हमारी आज की गेस्ट और टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी के पास। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अपने कार्यक्रम में हम सबसे पहले एक अच्छे विचार के बारे में बात करते हैं। उस अच्छे विचार को जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जरूर कॉल करें किस्मत कनेक्शन में। आप जान सकते हैं अपनी कुंडली या किस्मत, जो भी आपका सवाल हो जरूर आप रंजना जी से बात कर सकते हैं। रंजना जी, आज का विचार आपके अकॉर्डिंग क्या है, आज का थॉट ऑफ द डे? आज हम बताना चाहते हैं कि देखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं और काम करते ही चले जाते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते ही जाइए और परिस्थितियां आपके अनुकूल होती ही चली जाएंगी। जी बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एक नंबर वालों की। सबसे पहले एक नंबर वालों के लिए बताएं रंजना जी, कैसा रहने वाला है एक नंबर वालों के लिए आज का दिन? एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही बेहतर होने वाला है, और हम ये भी देखते हैं कि काफी दिन से बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने काम में भी और अपने घर परिवार में भी। कोई ना कोई इनके घर में ऐसा लगता है कि जैसे बीमार रहा है, जिस करके बहुत ही ज्यादा इन्होंने मेहनत की है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्थिति है वो बिल्कुल आपकी ठीक हो गई है और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाले दिन भी आपके बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि रोज घी में डुबोकर अगर आप कपूर शाम के समय जलाना शुरू कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा और घर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और घर में सब स्वस्थ ही रहेंगे। आपका रंग है सफेद और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। चलिए बिल्कुल, अब बात 2 नंबर वालों की कर लेते हैं रंजना जी। 2 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड? 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है जो कि बहुत दिनों से इनको चिंता में दिखाई दे रहे हैं ये। मगर हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनका जो भी कोर्ट कचहरी का मामला है वो धीरे धीरे इनके अनुकूल होने लग जाएगा, मगर इनको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा और वो ये है कि हर मंगलवार वाले दिन इनको हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना पड़ेगा और वहां बैठ के ही इनको 7 दफा हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। सिचुएशन इनके फेवर में जरूर जाने वाली है, मगर कहीं थोड़ा सा विघ्न आ रहा है, उसके लिए हमने आपको उपाय बताया है, ये आप अवश्य कीजिए और आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलेगा। आपका रंग है लाल और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। चलिए बिल्कुल, अब बात 3 नंबर वालों की कर लेते हैं। 3 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? 3 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं दिन तो बहुत ज्यादा बेहतर है और देखते हैं कि कहीं ना कहीं पैसे का निवेश करना चाह रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत जरूरी है कि जहां पे भी ये निवेश करें बहुत ध्यान से ये सोच समझ लें कि जो भी निवेश करने की जगह है वहां पर कैसी स्थिति है, वहां की टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि निवेश हम देखते हैं इनका अच्छा तो होगा मगर फिर भी हर चीज को में अलर्टनेस बरतनी बहुत जरूरी है और ध्यान से जहां पे भी हस्ताक्षर करें अच्छे से ये हर चीज को पढ़कर समझकर तभी करें। हो सके तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जरूर आप फैसला है उनके साथ कर लें, उनके साथ सलाह मशवरा कर लें तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपका रंग बहुत पावरफुल है, वो है ऑरेंज रंग, और आपका जो रंग है वो है ऑरेंज और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। सूर्य को जल देकर आप घर से निकलेगा, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा जी।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं चार नंबर वालों की। चार नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगी रंजना जी? चार नंबर वालों के लिए हम देखते हैं थोड़े से परेशान जरूर हैं, घर में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जहां पे की सिचुएशन ऑलवेज बहुत ही अच्छी रहती है, खुशहाली रहती है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एकदम आप अलर्ट हो जाइए, आगाह हो जाइए कि जो भी ये सिचुएशन आ रही है ये कोई बाहर ला व्यक्ति ही आपके घर में थोड़े मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अपने घर की तरफ पूरे अलर्ट रहिए और बिल्कुल भी किसी को अपने घर में इंटरफेयर करने की इजाजत बिल्कुल भी मत दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आज अगर आप गुड़ से बने हुए थोड़े से पूरे बनाइए और उनके ऊपर सिंदूर लगाइए और पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए 11 दिन, फिर आप देखेंगे घर की स्थिति आपकी बिल्कुल एकदम आपके फेवर में हो जाएगी। आपका रंग है ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पांच नंबर वालों की। पांच नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगी रंजना राणा जी? पांच नंबर वालों के लिए हम देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके काफी ज्यादा चिंतित रह रहे हैं। कहीं काफी जगह से इन्होंने ट्राई किया है मगर थोड़ा से प्रॉब्लम्स फिर भी इनको देखने को आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि अगर आप एक लक्ष्मी मंत्र रोज करना शुरू कर देंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करना पड़ रहा है और उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। आपको लक्ष्मी मंत्र हम बता देते हैं। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसको रोज आप 108 बार करना शुरू कीजिए तो जितनी भी आपके पैसे को संबंधित जो भी चीजें हैं आपकी बिल्कुल आपके फेवर में हो जाएंगी। आपका रंग है पर्पल और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। आज किसी भी जरूरतमंद को भरपेट खाना खिला दीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन रंजना जी? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा इनके घर परिवार में भी जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा इनका मतभेद दिखाई दे रहा है और काम के क्षेत्र में भी थोड़ा सा बॉसेस के साथ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके लिए हम इनको सजेशन यही देना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है कि आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ करना शुरू कर दीजिए और जितना भी हो अपने मन में थोड़ा शांत रहिएगा। हर चीज में थोड़ा सा श्रद्धा भी रखिए, थोड़ा सा अपने अंदर कामनेस लेके आइए। बिल्कुल भी आप ध्यान रखें, कुछ भी बोलने के पहले आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इसलिए आज का दिन अच्छा तो है आपका मगर इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी वाणी पे बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा और इस तब आपका दिन हम देखते हैं अच्छा हो ही जाएगा। और आपका जो रंग है वो है ब्राउन एंड क्रीम और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। चलिए रंजना जी आप बनी रही हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। किस्मत कनेक्शन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुक करेंगे। रंजना राणा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना जी ब्रेक से पहले तक 6 नंबर वालों तक की हमने बात कर ली थी, आप बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन इनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनको भगवान का इनके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद है और ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं घर के लिए निवेश करना चाहते हैं और इसके लिए अगर ये लोन भी अप्लाई करेंगे इनको डेफिनेटली मिल जाएगा। इनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और किसी भी प्रकार का ये निवेश करेंगे, स्पेशली दिखाई दे रहा है जैसे प्रॉपर्टी फ्लैट या कोई लैंड के लिए या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जरूर निवेश करना चाहते हैं और उनके लिए इनका आज का दिन और आने वाले दिन जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो इनका रंग है गुलाबी और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। ये स्थिति इनकी बनी रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर शुक्रवार वाले दिन ये 11 शुक्रवार को खीर जरूर मंदिर में चढ़ाएं लक्ष्मी जी के सामने, फिर देखेंगे इनके सारे कार्य हो जाएंगे और जिस घर में भी ये निवेश करना चाहते हैं या लैंड में निवेश करना चाहते हैं इनका अवश्य हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए रंजना जी क्या बताना चाहेंगी? 8 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका भी दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा, मगर थोड़ा सा इनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जिस करके शुरू में इनको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, मगर धीरे धीरे हम देखते हैं इनके लाइफ पैटर्न, इनका डिसिप्लिन जो है लाइफ का एकदम सेट होता जा रहा है और ये बहुत ही शीघ्रता से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल के इनके प्लान्स बन रहे हैं, कोई रिलीजियस प्लेस में जाने के लिए, कोई भी धार्मिक स्थल पे, और हम देखते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा भी साबित होगा और ये इनका जो प्रोग्राम है काफी जल्दी बनने वाला है और इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। इस दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अगर आप हरी सब्जियों का दान करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपका रंग है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए रंजना जी आखिरी नंबर 9 नंबर की बात कर लेते हैं अब। 9 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? 9 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, कोई ऐसी भी स्थिति है जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इनको यही सजेशन देंगे कि बहुत जरूरी है कि आप राम रक्षा स्त्रोतम का पाठ करना शुरू कर दीजिए और ये आपको 21 दिन जरूर करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे आपका भी स्वास्थ्य और आपके घर वालों का भी स्वास्थ्य एकदम ठीक रहने वाला है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ रोज बाजरा और चीनी का भी अगर आप दान करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इससे चिंता मत करें, जो छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं वो आप अवश्य करें और हो सके तो आज 5 फलों का दान जरूर कर दीजिए। आपका रंग है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। हाँ जी बिल्कुल रंजना जी, आप बात करते हैं आगे बात करते हैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर, अगर इलाज करना हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई और परेशानी हो उस चीज का आप सामना कर लेते हैं, लेकिन कई बार अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो और भी परेशानियों को छोड़िए आप हेल्थ इश्यूज के साथ कुछ भी नहीं देख सकते। तो ऐसे में किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए जिस वजह से हेल्थ इश्यूज से निजात मिल सके? देखिए पूजा पाठ हमेशा हेल्प करता है आपके हेल्थ इश्यूज के लिए, और ये जरूरी है बताना कि किस तरह का आपका हेल्थ इश्यू है, उसके लिए अलग अलग हम देखते हैं पूजा पाठ भी है, दान पुण्य भी है। स्पेशली जिन लोगों को ब्लड संबंधित प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत जरूरी है कि 2 रोटी और गुड़ और उसके साथ में अगर काला तिल करके ये रोज गाय को देंगे, इससे इनके जो ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली इनकी बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएंगी। और जिन लोगों को हम देखते हैं प्रॉब्लम है जैसे कि घुटनों की प्रॉब्लम है या किसी तरह की जोड़ों की दर्द है, इसके लिए हम यूजली सजेस्ट करते हैं कि आप रोज बाजरा और चीनी का दान करते रहेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और जितना भी हो सकेगा इनको बहुत जरूरी ये भी है कि अगर जैसे हमने बताया है राम रक्षा स्त्रोतम करें और अगर ये दुर्गा कवच भी करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। जितने लोगों को श्वास को लेकर प्रॉब्लम है उनको रोज राम का मंत्र करना चाहिए, श्री राम जय जय राम, और जिनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है उनको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनको पेट संबंधित प्रॉब्लम है उनको मृत्युंजय जाप होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारूप में वंदनम मृत्युमोक्षय मामृतात्, इसका जाप जरूर करना चाहिए। और जिनको गले संबंधित प्रॉब्लम है जैसे कि, तो उसके लिए हम बताते हैं जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये जो मंत्र है, ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारी बॉडी में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पंदन करते हैं, वो उस तरह के जो चक्रास होते हैं उनको वाइब्रेट करते हैं और वहां पे जितनी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है। जितने लोगों को अगर लेडीज को जो प्रॉब्लम्स होती है मंथली के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है उनको जो मंत्र करना है वो है ओम जय माता दी करें या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसका जाप रोज करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और ये सारी वाइब्रेशन जो है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में आज के लिए इतना ही।